यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी, डॉक्टर फ्रांसिस गिल, प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अजमी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, गॉड ब्लेस। प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाज़रीन के साथ सेहत व तंदरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं और प्रोग्राम के आखिर में उनको गाइडलाइन फराहम करते हैं किस तरह से आपने सेहत व तवाना रहना है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, आप भी हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। खुदा कदूस, हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, ओहदा दरान के लिए, मेम्बरान के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने बंदा को अता किया, ताकि हम तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी रहनुमाई करना, देखने वाले नाजरीन को बड़ी बरकत अता करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाजरीन, खुदा चाहता है कि हम सेहत व तवाना रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ प्यारे, मैं चाहता हूं कि तू तंदुरुस्त रहे। और ये पादरी साहब बहुत बड़ी बात है जी, बड़ी अच्छी बात है कि एक दानश्वर कहता है कि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। और मैं समझता हूँ कि ये हजार नहीं बल्कि लाखों नेमत, लाखों नेमत, और ये खुदा की एक बहुत बड़ी बख्शिश है, बख्शिश है जो खुदा हमें अता करता है। आमीन आमीन। तो इससे पहले कि हम और बातों को आपके साथ शेयर करें, आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। मैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अजमी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे नाज़रीन को कलाम खुदा की अच्छी बातों से गाइड करें। नाज़रीन, द बुक ऑफ विजडम मिसाल की किताब में से हम तीसरा बाब और उसकी पाँचवीं से आठवीं तक सबके साथ मिलकर पढ़ेंगे और फिर थोड़ी देर तक इस पैसेज को देखेंगे जी। कलाम खुदा में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर जी, और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा जी। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का नाम शुक्र हो। नाज़रीन, जब हम आठवीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। तो बात वहीं पे आ जाती है अक्सर, जहाँ से आपने शुरू किया था कि कलाम चाहता है कि मैं ऐ प्यारे, मैं चाहता हूँ तू सेहतमंद रहे जी। तो यहाँ पर भी खुदा का कलाम ये बयान करता है कि तू सेहतमंद रहे, तेरी हड्डियाँ ताज़ा दम रहे जी। तो नाज़रीन, इसका बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न खुदा का कलाम आज हमें देता है, और वो ये है कि हमें खुदा के साथ मुसलसल रफाकत रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे, जब हम दुआ में रहेंगे, रोज़ों में ठहरेंगे, मुस्तकिल तौर पर खुदा के कलाम का मताला करेंगे, तो बिलाशुबा हम ऐसी सोहबतों से डर सा बचेंगे जिनकी वजह से हम बुरा खाते हैं, बुरा पीते हैं, बदपरहेजी करते हैं। आपने देखा कि बहुत सारी आदत हमारी दूसरों की तरफ देखा देखी हम अपना लेते हैं जी। उनकी वजह से हम अपने खाने पीने में कोई परहेज नहीं करते, अपनी आदत में कोई परहेज नहीं करते, नशाबाजी का लोग शिकार हो जाते हैं, बुरी सोहबत का शिकार हो जाते हैं, बदकारी में चले जाते हैं, गुनाह में पड़ जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लामहाला हमें जिस्मानी तौर पर भी इफेक्ट करती हैं और फिर रूहानी तौर पर भी हमें मुतासर करती हैं। तो लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नाफ की सेहत हो, हमारी बॉडी की सेहत हो, हमारा जिस्म सेहतयाब रहे, तंदुरुस्त रहे, तो बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला ये है नाज़रीन कि सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल करने की ज़रूरत है, अपनी राहों में खुदावंद को पहचानने की ज़रूरत है। कलाम बयान करता है, अपनी निगाह में खुद दानिशमंद ना बन, बदी से डरने की और किनारा करने की ज़रूरत है। यकीनन खुदा का कलाम बयान करता है कि जब हम इस खुदा के कलाम के मुताबिक, सब कलाम में ये लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी का कोई शुबा क्यों ना हो, कोई पहलू क्यों ना हो, खुदा का कलाम हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। तो जब हम नाज़रीन कलाम मुकद्दस के मुताबिक एक एतदाल की, परहेजगारी की राह को अपनाते हुए, जो रूहानी तौर पर यानी गुनाह से भी परहेज करने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों से जो बदपरहेजी का ज़रिया बन जाती हैं, वबा बीमारी का ज़रिया बन जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे आप जानते हैं कि ये शुगर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है,
हार्ट डिजीजेज हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बुनियादी तौर पर बदपरहेजी के नतीजे ही हैं। बिल्कुल। तो जब आप खुदा के कलाम के साथ अपना लिंक तलक रखेंगे तो लामहाला आप ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसी बातों से मना करता है। और फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि ये तेरी हड्डियों के लिए, तेरी नाफ के लिए सेहतियाबी और तंदरुस्ती का जरिया बनेगी। ऐसे पिछले दिनों अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च दिखाई है, उसमें उन्होंने ये किया कि जो लोग दुआ करते हैं और जो नहीं करते उन पर उन्होंने रिसर्च की और लिखा कि 3 महीने उन्होंने इस पर रिसर्च की और उन्होंने देखा कि जो लोग दुआ करते हैं, बाकायदा चर्च जाते हैं, कलाम पढ़ते हैं, उनकी सेहत तंदुरुस्ती जो है वो दूसरों से ज्यादा है और बेहतर है, क्योंकि वो खुदा के हुजूर में आते हैं। और उनमें से बहुत सारे, बहुत कम लोग थे जिनको मतलब ये डायबिटीज का प्रॉब्लम था, बहुत कम लोग थे जिनको ये हार्ट डिजीज और दूसरी थी, इसकी निस्बत जिन लोगों का खुदा के साथ कोई तलक नहीं था बेहदों हिसाब बीमारियों का शिकार थे। लिहाजा नाजरीन, बहुत सी बातें इस तलक से की जा सकती हैं, मुख्तसर यही कहना चाहते हैं कि खुदा के साथ अपना लिंक बनाए, खुदा को याद करें और हमेशा खुदा पर तवक्कल और भरोसा करें, पाक कलाम को पढ़ें, रोजाना दुआ करें अपनी सारी। और अक्सर मैं अक्सर एक शेर भी अपना ये कहता हूँ कई दफ़ा कि रहता है फिर मसल्लत दर्द सर ही सारा दिन, रहता है फिर मसल्लत दर्द सर ही सारा दिन जिस रोज के मैं खुदा को सजदा नहीं करता। तो आप खुदा के हुजूर जब इन बोझ को, अपने बोझों को रखेंगे, चाहे वो आपके हेल्थ के तलक से हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आपके रूहानी मसाइल हैं, यकीनन खुदा में सुनेगा, जवाब देगा और आपको रिस्टोर करेगा। खुदा में से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत। बहुत ज़बरदस्त आपने बयां किया है कि जब आप खुदा के हुजूर में आते हैं जी तो आप बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो यार, क्योंकि खुदा तो चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें। वो शाफी है जी, वो हमारा शाफी है, वो हमारा तबीब आजम है, वो हर बीमारी पर कादर है, कादर है। खुदा में यीशु मसीह की हजूरी में हमें बीमारियों की कोई फिक्र करने कोई फिक्र, वो हमारे करीब ही नहीं आती जी, जी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब खुदा में यीशु मसीह नासरी अपनी खिदमत अकदस में थे जी जी, तो 3.5 वर्ष कोई शागिर्द बीमार नहीं हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई शख्स जो उनके साथ है वो बीमार नहीं हुआ। आपने बड़ी जबरदस्त बात कही कि जो लोग खुदा के घर में आते हैं जो लोग इबादत करते हैं वो चर्च में आते हैं तो बीमारियां उनके करीब नहीं आती, बीमारियां उनके, ये खुदा की शुक्रगुजारी है क्योंकि वो खुदा के करीब रहते हैं जी। बिल्कुल पास्टर साहब, बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें आपने कलाम में खुदा से बयान की हैं। तो नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में अंजीर के बारे में आपको बताया था कि अंजीर किस तरह से हमें जिस्मानी तौर पर शिफा याबी भी देता है और हमें फिट रखता है। आज हम सेब के बारे में नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। सेब बहुत अच्छी चीज है, ताकतवर फल है। कहते हैं सेब खाओ डॉक्टर को भगाओ जी, बिल्कुल ऐसे सेब खाओ डॉक्टर को भगाओ। तो जो लोग सेब खाते हैं उनका रंग भी सेब जैसा लाल होता है जी जी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाफर मकदार में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस जी जी जो पाया जाता है, जो हमारे बदन को से तो तवाना रखता है। तो जो अगर किसी शख्स को कब्ज का मसला, वो नहार मुंह एक सेब खा लिया करें तो वो कब्ज नहीं उसको रहती। तो नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। पर साहब, हम आपके मशकूर ममनून है, शुक्रिया कि आपने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त दिया। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, उस वक्त तक दीजिए हम इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस।